बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसे सभी डीटीएच व केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है। नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको घर बैठे सप्ताह के प्रथम 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी, तथा प्रत्येक शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ साथ मनोरंजक कहानियों व कठपुतली के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 में हिंदी विषय में द त ई, कक्षा 2 में अंग्रेजी विषय में मी एंड माय फैमिली, कक्षा 3 में अंग्रेजी विषय में गुड हैबिट्स वे कक्षा 4 में पर्यावरण विषय में कैसे जानूं मैं, भाग 1। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 1 विषय हिंदी का पाठ द त ई वर्ण पढ़ेंगे। चित्र के नीचे संदर्भ पंक्तियों को भी पढ़ेंगे और पंक्तियाँ पढ़कर कुंजी शब्द का उच्चारण करेंगे। कुंजी शब्द के आधार पर कुंजी वर्ण की पहचान करेंगे। कुंजी वर्ण से नए शब्द बनाकर उच्चारण भी करेंगे। तो आओ मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं वर्ण द। द, द से दरवाजा। हाँ हाँ, बोलो मेरे साथ, द, द से दरवाजा। दरवाजा ये बड़ा निराला, जल्दी से ये खुलने वाला। हाँ हाँ, दोहराओ जरा, दरवाजा ये बड़ा निराला, जल्दी से ये खुलने वाला। ता, ता से तरबूज। हाँ बोलो जरा, ता, ता से तरबूज। तरबूज पका अंदर से लाल, खाते मिलकर बाल गोपाल। हाँ हाँ, दोहराओ जरा मेरे संग, तरबूज पका अंदर से लाल, खाते मिलकर बाल गोपाल। ई, ई से इमली। हाँ हाँ, फिर एक बार, ई, ई से इमली। इमली खट्टी तुम खा जाना। हाँ मेरे बच्चों, दोहराओ, इमली खट्टी तुम खा जाना, दूध मलाई चट कर जाना। एक बार फिर दोहराइए मेरे साथ, इमली खट्टी तुम खा जाना, दूध मलाई चट कर जाना। तैसे तितली। तितली, तितली रानी उड़ती आई, रंग बिरंगी मन को भाई। हाँ हाँ, दोहराओ मेरे संग, तितली रानी उड़ती आई, रंग बिरंगी मन को भाई। अब हम सीखते हैं द से बनने वाले कुछ नए शब्द। द से दरवाजा, द से दीवार, द से दवा, द से दवात, द से दूरी, द से दांत, द से दादा, द से दंड, द से दया, द से दही, द से दस, द से दाल, द से दम। द से बनने वाले नए शब्द, द से तरबूज, द से तितली, द से तोता, द से ताला, द से तारा, द से तकिया, द से तीली,
तासे तार, तासे तवा, तासे तलवार, तासे तलना, तासे ताली। इसे बनने वाले कुछ नए शब्द, इसे इलायची, इसे इकतारा, इसे इमारती, इसे स्त्री, इसे इत्र, इसे इग्लू, इसे इतवार, इसे इकबाल, इसे इच्छा, इसे ईस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, इन शब्दों को भी सुनो और बोलो। बाद, दल, जतन, दलाल, तन, जात, ताजा, बारात, इला, इनाम, दाना, इतना, तिल, दाख, अखिल, रचित। बच्चों, अब समय है खुद करके देखो का। इस खाने में द को पहचानो और द वाले खाने में रंग भरो। हाँ हाँ मेरे बच्चों, इस खाने में त को पहचानो और त वाले खाने में रंग भरो अपने मनपसंद रंग। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 2 में अंग्रेजी विषय में मी एंड माय फैमिली। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 की इंग्लिश बुक का चैप्टर मी एंड माय फैमिली। तो बच्चों, फैमिली का मतलब होता है परिवार। तो यहाँ बच्चों हम देखते हैं कि एक परिवार, देख सकते हैं आप, एक परिवार की फ़ोटो है। तो इस लेसन में ये बताया है कि जो जमुना है वो बता रही है कि मैं और मेरा परिवार, तो वो अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बता रही है। देखते हैं चलिए कि कौन कौन उसके परिवार में है। हेलो, आई एम जमुना। तो बच्चों ये देखिए, ये जमुना है और ये क्या कह रही है कि आई एम जमुना, मतलब मैं जमुना हूँ। आई एम 6 years old। और बच्चों वो बता रही है कि उसकी उम्र जो है वो कितनी है, 6 वर्ष, मतलब जमुना जो है वो 6 साल की है। आई स्टडी इन क्लास 2। और फिर वो ये बताती है कि वो कौन सी कक्षा में पढ़ती है, क्लास 2 में, मतलब वो दूसरी कक्षा में पढ़ती है। आई लिव इन द विलेज रामपुरा। तो बच्चों उसका जो विलेज है, विलेज का मतलब होता है बच्चों गांव, तो वो जिस गांव में रहती है उसका क्या नाम है, रामपुरा। तो बच्चों आपको समझ आया कि हम बात कर रहे हैं जमुना की, और जमुना कहती है कि उसकी उम्र 6 साल है और वो कक्षा 2 में पढ़ती है, और फिर वो बताती है कि उसका जो गांव है वो है रामपुरा। ही इज सोहन। अब बच्चों जमुना बताती है कि ये जो बच्चा है ये कौन है, सोहन है। ही इज माई ब्रदर। और फिर वो बताती है कि ये जो सोहन है वो उसका ब्रदर है, ब्रदर मीन्स भाई है। ही इज इन क्लास 1। और फिर वो बताती है कि ये जो सोहन है वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है, क्लास 1 में, पहली कक्षा में पढ़ता है। ही प्लेज विथ अ बॉल। और बच्चों वो ये भी बताती है कि जो सोहन है वो किससे खेलता है, प्ले मतलब खेलना, तो वो किससे खेलता है, बॉल से, मतलब उसे बॉल से खेलना पसंद है। अब बच्चों आगे वो बताती है ही इज़ माई फादर। तो देख सकते हैं बच्चों उसके पिता के बारे में ये तस्वीर है, तो वो बताती है कि ये जो है वो मेरे पिता हैं। हिज नेम इज़ श्री राकेश। और उनका नाम जो है वो क्या है, श्री राकेश, मतलब उनके पिताजी का नाम राकेश है।
ही इज़ अ पटवारी। और फिर जमुना बताती है कि वो क्या काम करते हैं, वो एक पटवारी हैं। ही प्लेज़ विथ मी एंड सोहन। तो बच्चों आगे वो ये बताती है कि जो उनके पिताजी हैं वो उसके साथ और सोहन जो कि उसका भाई है उसके साथ खेलते हैं। शी इज़ माई मदर। अब बच्चों वो आगे बताती है कि ये देखिए आप पिक्चर में कि ये मेरी माँ है। मदर मतलब होता है माँ। हर नेम इज़ श्रीमती गीता। और वो ये बताती है कि उनकी माँ का नाम गीता है। शी इज़ अ टीचर। और वो एक अध्यापिका हैं। तो टीचर मतलब होता है बच्चों अध्यापक। शी टेल्स अस स्टोरी। और फिर जमुना आगे बताती है कि जो उनकी माँ है वो उन्हें कहानियाँ बताती है। स्टोरीज़ का मतलब होता है बच्चों कहानियाँ। ही इज़ माई ग्रैंड फादर। तो ये देखिए बच्चों वो जमुना बताती है कि ये मेरे ग्रैंड फादर का मतलब होता है दादाजी हैं। हिज नेम इज़ श्री देवा। और उनका नाम है देवा। He is very loving. और वो बहुत ही प्यारे हैं। He takes care of us. और जो दादाजी हैं उनके बारे में बताती है कि वो हमारा ध्यान रखते हैं। She is my grandmother. अब वो आगे बताती है कि ये जो हैं वो उनकी दादी जी हैं। Grandmother मतलब दादी। हर नेम इज़ श्रीमती दुर्गा। और उनका नाम जो है वो क्या है दुर्गा। शी इज़ ऑल्सो लविंग। और ये भी बहुत ही प्यारी हैं। शी टेक्स अस टू टेम्पल। अब वो बताती है कि जो दादी हैं वो उन्हें कहाँ ले जाती है टेम्पल में। तो बच्चों टेम्पल का क्या मतलब होता है मंदिर। हाँ तो वो जो हैं दादी जी वो उन बच्चों को कहाँ ले जाती हैं मंदिर में। बच्चों आज का अगला पाठ कक्षा 3 में अंग्रेजी विषय में गुड हैबिट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ डू यू डू, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। टुडे वी विल लर्न अबाउट गुड हैबिट्स। आज हम अच्छी आदतों के बारे में सीखेंगे। What do you do when you get up early in the morning? सुबह जब आप जल्दी उठते हैं तो क्या करते हैं? कुछ दातुन करते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं। Look at these pictures. इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। What do you see in these pictures? आप इन तस्वीरों में क्या देख पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं कि इनमें डॉक्टर अपने मरीज का इलाज कर रहा है, उनका चेकअप कर रहा है। Why do you go to a doctor? आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? When we get sick, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। What should we do to remain healthy? हमें क्या करना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें, हम बीमार नहीं पड़ें? उसका जवाब है गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स यानी अच्छी आदतें। What are good habits? तो कैसी आदतें अच्छी आदतें होती हैं? Let's read the poem. उसके लिए हम एक कविता पढ़ेंगे। Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. हमें रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। इससे हम स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान होते हैं। यहाँ हेल्दी HEALTHY हेल्दी का अर्थ है स्वस्थ। WEALTHY वेल्दी का अर्थ है धनवान।
WISE वाइज का अर्थ है बुद्धिमान। ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस अ डे कीप्स योर गम्स हेल्दी एंड जर्म्स एट बे। हमें रोजाना दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए, अपने दांतों को साफ करना चाहिए। इससे हमारे मसूड़े स्वस्थ रहते हैं और ये हमें रोगाणुओं से दूर रखता है। यहाँ गम्स GUMS गम्स का अर्थ है मसूड़े, हमारे दांतों के ऊपर का भाग। GERMS जर्म्स, जर्म्स का अर्थ है रोगाणु। एट बे का अर्थ है दूर रखना। ए बाथ एवरी डे कीप्स अस फ्रेश क्लीन एंड गे। हमें रोजाना स्नान करना चाहिए, इससे हम ताज़ा महसूस करते हैं, हम साफ रहते हैं और हम खुश रहते हैं। FRESH फ्रेश का अर्थ है ताज़ा। CLEAN क्लीन का अर्थ है साफ। GAY गे का अर्थ है खुश। कॉम योर हेयर एंड वेयर क्लीन ड्रेस, ट्रिम योर नेल्स एंड दे वोंट लुक अ मैस। हमें रोजाना हमारे बालों में कंघी करनी चाहिए, उन्हें संवार कर रखना चाहिए। वेयर क्लीन ड्रेस, हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। ट्रिम योर नेल्स, जब हमारे नाखून बड़े हो जाएं तब हमें उन्हें काट लेना चाहिए, उन्हें हमें साफ रखना चाहिए, इससे वे गंदे नहीं दिखेंगे और उनमें जो कीटाणु होते हैं वो हमारे शरीर में नहीं जाएंगे। COMB कॉम्ब, कॉम्ब का अर्थ है कंघी करना, बालों को संवारना। TRIM ट्रिम का अर्थ है काटना। MESS मैस का अर्थ है गंदा। बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग योर फूड वॉश योर हैंड्स एंड डोंट बी रूड। बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग योर फूड, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, वॉश योर हैंड्स, हमें अपने हाथ धोने चाहिए। हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं तो खाना खाते समय हमारे हाथों पर लगे कीटाणु हमारे शरीर के अंदर जाते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं। इसीलिए हमें खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए। एंड डोंट बी रूड, हमें बुरा व्यवहार नहीं करना है, अशिष्ट व्यवहार नहीं करना है और बड़ों का आदर करना है। WASH वॉश, वॉश का अर्थ है धोना। RUDE रूड का अर्थ है अशिष्ट या बुरा व्यवहार। यू शुड स्टडी योर lessons एवरी डे, प्रे टू गॉड एंड गो आउट टू प्ले। हमें रोजाना पढ़ाई करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और बाहर खेलने जाना चाहिए। स्टडी STUDY स्टडी का अर्थ है पढ़ाई करना। PRAY प्रे का अर्थ है प्रार्थना करना। वी शुड स्टडी एंड वी शुड प्रे। व्हाट वी हैव लर्न टुडे, आज हमने क्या सीखा। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें दिन में दो बार अपने दांत साफ करने चाहिए। वी शुड बाथ एवरी डे, हमें रोजाना नहाना चाहिए। वी शुड कॉम आवर हेयर, ट्रिम आवर नेल्स एंड वेयर क्लीन ड्रेस, हमें अपने बाल साफ सुथरे रखने चाहिए, उन्हें कंघी करनी चाहिए, अपने नाखूनों को काटना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में अपने हाथ साफ धोने चाहिए। वी शुड नॉट गेट रूड एंड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें बुरा व्यवहार नहीं करना है और बड़ों का आदर करना है। वी शुड स्टडी एंड प्रे टू गॉड, हमें पढ़ाई करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वी शुड गो आउट टू प्ले, हमें बाहर खेलने जाना चाहिए। इन सारी अच्छी आदतों को अपना के हम स्वस्थ हो
हो सकते हैं। टुडे वी हैव लर्नड अबाउट गुड हैबिट्स। वी शुड अप्लाई दीज हैबिट्स इन आवर लाइफ टू रिमेन हेल्दी। आज हमने अच्छी आदतों के बारे में पढ़ा, हमने आज अच्छी आदतें सीखी। ये सारी अच्छी आदतें हमें अपने जीवन में उतारनी हैं जिससे हम स्वस्थ रहें। होप यू हैव एंजॉयड द पोएम। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। बच्चों, आज का अगला पार्ट कक्षा 4 में पर्यावरण विषय में कैसे जानूं मैं, भाग 1। नमस्ते बच्चों, पर्यावरण अध्ययन में आज हम पढ़ेंगे पाठ 3, कैसे जानूं मैं, भाग 1। अब कैसे जानूं मैं, तो हम सबसे पहले किसी भी चीज़ को कैसे पहचानते हैं? जी हाँ, बताइए बताइए। हाँ जी बच्चों, तो सबसे पहले हम कैसे जान सकते हैं? सही पहचाना आपने, हम देख करके पता लगा सकते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। पानी, झरने, पहाड़, यह हरा भरा संसार, घर, मोटर कार, सभी चीज़ों को हम सबसे पहले देख करके पहचानते हैं। और क्या तरीका है पहचानने का, बताइए बताइए। जी हाँ बच्चों, हम सुनकर भी जान सकते हैं। जैसे कहीं कोई म्यूज़िक होता है, मंदिर के घंटे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि मंदिर के घंटे बज रहे हैं। कोई मोटर गाड़ी का हॉर्न बजता है तो हम समझ पाते हैं कि कोई मोटर आ रही है ना। तो हम और कैसे जान सकते हैं? जी हाँ, हमारे कानों से सुनकर जान सकते हैं। और बताइए, सोचिए सोचिए, फिर मैं तो बताऊंगी आपको। जी हाँ, कभी आप बाग बगीचे में जाते हैं तो क्या होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, फूलों की खुशबू। तो उसको हम कैसे जान सकते हैं? हमारी नाक के द्वारा। घर में मम्मी जब पूजा करती है तो क्या जलाती है, अगरबत्ती जलाती है, और उसकी खुशबू भी पूरे घर में फैल जाती है। हमें कैसे पता चलता है? हमारी नाक के द्वारा पता चलता है, तो यानी हम नाक के द्वारा भी जान सकते हैं। चलिए, ये भी हो गया। अब और बताइए, और हम कैसे जान सकते हैं? सही बच्चों, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। घर में जब स्वादिष्ट सा खाना बनता है तो इसका ज्ञान हमें कौन कराता है? इसका ज्ञान हमें जीभ कराती है कि खाना जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट है, तीखा है, मीठा है, खट्टा है, आहा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जीभ से भी हम समझ सकते हैं कि कैसे जाने हम, है ना। अच्छा, और एक चीज़ है, चलिए उसके बारे में भी बात करेंगे। बच्चों, जब हम कोई बहुत अच्छा काम करते हैं तो हमें शाबाशी मिलती है, और घर के बड़े लोग जो हैं हमारे सर पे हाथ फेर करके और हमें प्यार करते हैं, और उस प्यार का एहसास हमें होता है। तो ये जो स्पर्श का एहसास है, इससे भी हम जान सकते हैं। तो यानी क्या क्या बात हो गई अब हमारे जानने की? हम आँखों से जान सकते हैं, हम कानों से सुनकर जान सकते हैं, और हम नाक से सूंघकर पहचान सकते हैं, और हम जीभ से पहचान सकते हैं, है ना, और साथ ही साथ हम स्पर्श से भी पहचान सकते हैं। तो आज की जो कहानी है, इसमें सोनू और दादाजी किस तरह से पहचानते हैं, ये बात हम देखते हैं। बहू, मैं योग शिविर जा रहा हूँ। दादाजी, आप अकेले मत जाइए, सोनू को भी साथ ले जाइए। ठीक है, सोनू को भी भेज दो। रुक जा बेटा, मंदिर में हाथ जोड़ लूं। दादाजी, आपको कैसे पता चला मंदिर आ गया? आपको तो बहुत कम दिखाई देता है। मैं हमेशा इधर से ही निकलता हूँ, फिर मंदिर की घंटी की आवाज भी आ रही है। तुम भी आंखें बंद करके ध्यान से सुनो,
कई चीजें हम बिना देखे भी पहचान सकते हैं। बेटा बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, लगता है जलेबियां बन रही हैं, चलो खाते हैं। हाँ दादाजी, दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ जलेबियां तो बहुत गर्म हैं। दादाजी ये स्वादिष्ट भी बहुत हैं। जलेबियां तो गरम पर समोसे बहुत ठंडे हैं। वाह दादाजी, आपने छूकर जान लिया कि जलेबियां गरम और समोसे ठंडे हैं। हाँ बेटा, हम बहुत सी चीजें छू करके पहचान सकते हैं। दादाजी जब आप मेरे गाल पर थपकी देकर प्यार करते हो तो मुझको बहुत अच्छा लगता है, पर पड़ोस वाले ताऊ जी ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा, मैं उससे बात करूंगा। अगर किसी का छूना आपको बुरा लगे तो साफ मना करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए और अपने घर वालों को बताना चाहिए। बच्चों आपने देखा ना कि दादाजी ने कैसे बिना देखे पहचान लिया कि मंदिर पास में है, फिर उन्होंने खुशबू से जान लिया कि जलेबियां बन रही हैं, और सोनू ने कहा स्वादिष्ट हैं, यानी उसने जीभ का उपयोग किया है ना, और फिर उसके बाद दादाजी ने बताया छू करके कि जलेबियां गर्म हैं और समोसे ठंडे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारी ज्ञान इंद्रियां हमारे आसपास के वातावरण से हमको अवगत कराती हैं, हमें बताती हैं। नैन देखते चांद सितारे, जीभ सदा लेती चटकारे, कान सुना करते हैं डम डम, नाक सूंघती गंध सुगंध, हाथ बताते चाय गरम, पांचों इंद्रियों से पहचाने हम। बच्चों अब कुछ बातें हमें बहुत अच्छी तरह ध्यान रखनी चाहिए, जैसे सबसे पहले आँखों को साफ पानी से धोएं और अनावश्यक रूप से नहीं मसलें। बच्चों कभी भी लेट कर पढ़ना नहीं चाहिए, और टीवी कंप्यूटर भी जो है बहुत देर तक नहीं देखना चाहिए। आप लोग तो ऐसा नहीं करते ना? हाँ, इससे क्या होता है, आंखों पर बुरा असर पड़ता है। अब ये देखो, कान साफ करने के लिए क्या पेंसिल को यूज़ करना चाहिए? नहीं ना, तो कान को साफ करने के लिए कान में कोई भी तीखी चीज़ जैसे पेन पेंसिल कभी भी नहीं डालनी चाहिए, इससे कान को नुकसान पहुंचता है। कानों को हमेशा तेज सर्दी और तेज गर्मी से बचाना चाहिए। जुकाम अगर हो जाता है तो क्या करना चाहिए, रुमाल या टिश्यू पेपर से नाक को साफ करना चाहिए, इधर उधर गंदगी को नहीं फैलाना चाहिए। रोज सुबह दांत साफ करने के साथ साथ जीभ को भी साफ करना चाहिए, और रोज मल मल कर अच्छे से शरीर के सभी अंगों को साफ करते हुए नहाना चाहिए। और अगर शरीर के किसी भी अंग में दर्द या कोई समस्या हो तो कहाँ जाना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ बहुत अच्छी तरह धोने चाहिए, और ये ज़रूर करनी है। ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई इनका आप पूरा ध्यान रखेंगे, है ना, रखेंगे ना बेटा, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो। बच्चों आज हमने पढ़ा है कक्षा एक में हिंदी विषय में द त ई, कक्षा दो में अंग्रेजी विषय में मी एंड माई फैमिली, कक्षा तीन में अंग्रेजी विषय में गुड हैबिट्स, वे कक्षा चार में पर्यावरण विषय में कैसे जानूं मैं भाग एक। प्यारे बच्चों पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए,
इसलिए शिक्षा दर्शन आपके लिए हर शनिवार लेकर आए हैं नो बैग डे। यहाँ आप करियर से संबंधित जानकारी, क्राफ्ट, कला, पपेट शो, जीवन कौशल व मनोरंजक कहानियाँ सुनेंगे। नई जानकारियों का लाभ व ढेर सारा मनोरंजन नो बैग डे के साथ देखना ना भूलें। शिक्षा दर्शन। बच्चों, हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर है सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग की शिक्षिका श्रीमती आशा सुमन जी, श्रीमती पूनम कुमारी जी, श्रीमती रश्मि गोगर जी व श्री तरुण डनकावत जी ने आज के वीडियो में अपना योगदान दिया है तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट एड इंडिया फाउंडेशन एवं पीरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके सुझाव हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का पता है निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदयपुर 313001।